पालम 360 खाप की पंचायत ने स्वर्गीय श्री चंदमान के देशोरी कार्य यानी धर्म कार्य के लिए अनुमति दे दी है। सिद्धिपुरलोवा गांव में हुई 360 की खाप पंचायत में देशोरी कार्य करने के लिए स्वर्गीय श्री चंदमान के पुत्र अशोक, दलबीर और सिकंदर मान को अनुमति दे दी है। दरअसल सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए खाप पंचायतों की अग्रणी भूमिका रहती है। देशोरी कार्य की अनुमति और कार्य की सफलता के कार्य की शुरुआत भी खाप पंचायतों से ही होती है। इसीलिए सबसे पहले गांव की पंचायत और फिर लोवा 17 खाप की पंचायत हुई थी, जिसके बाद 360 की खाप पंचायत बुलाई गई। लोवा 17 खाप के प्रधान अशोक मान के आग्रह पर हुई पंचायत में 360 खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंचायत में मौजूद लोगों ने स्वर्गीय श्री चंदमान को पुष्पांजलि भेंट की। पंचायत की अध्यक्षता 360 खाप प्रधान राम कुमार सोलंकी ने की। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय श्री चंदमान की स्मृति में देशोरी कार्य 22 अप्रैल को होगा। उससे पहले दिन परंपरा अनुसार खिचड़ी की रस्म की जाएगी। वहीं लोवा 17 खाप के प्रधान अशोक मान ने बताया कि 360 खाप की अनुमति से देशोरी कार्य होगा और अप्रैल 23 को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार 62वां हनुमान जन्मोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत स्वर्गीय श्री चंदमान और उनकी धर्मपत्नी वेदवती ने 61 साल पहले की थी। पहले घर पर ही चावल और शक्कर का भंडारा शुरू किया गया था, जो अब देशोरी भंडारे तक जा पहुंचा है। स्वर्गीय श्री चंदमान के पुत्र अशोक, दलबीर, सिकंदर, ADC ग्रुप और रॉयल ग्रीन रियलिटी ग्रुप का संचालन भी कर रहे हैं। 360 की खाप पंचायत के समापन पर पंचायत में आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था भी आयोजक मान परिवार की तरफ से की गई है। A1 हरियाणा के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।